हाय गाइज, अगर आप भी गेम के शौकीन हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी गेम के शौकीन हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, गेम खेलने के शौक़ रखते हैं, तो आप जो एक बार क्रेजी कार रेसिंग गेम को जो है ज़रूर एक बार इंस्टॉल करें। तो मैं आपको सबसे पहले ले चलूँगा प्ले स्टोर पर, काफ़ी ही कमाल का गेम है। तो आप प्ले स्टोर पर ले चलने के बाद आपको यहाँ सर्च मारना है क्रेजी कार रेसिंग गेम। तो हम यहाँ सर्च मारेंगे CRAZY क्रेजी कार। यहाँ आप देख सकते हैं सर्च बार में आ चुका है क्रेजी कार ड्राइविंग। तो हमें जो इसे इंस्टॉल नहीं करना है, हम यहाँ इसे कट कर देंगे और क्रेजी कार रेसिंग पे टैप करेंगे। और फिर यहाँ जो है मेरा जो है इसमें से कौन सा गेम इंस्टॉल है वो मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। ये मेरा गेम इसमें से इंस्टॉलेड है जो क्रेजी कार रेसिंग 3D गेम्स है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो आ चुका है, आपको ये वाला इंस्टॉल कर लेना है क्रेजी कार रेसिंग 3D गेम्स। अगर हम इसमें रेटिंग की इसके बात करें तो मैं 4 पॉइंट की रेटिंग है, 106 के रिव्यूज़ है और फिर 50 मिलियन प्लस में डाउनलोड्स है। तो हम आपको इसे इंस्टॉल कर लेना, और फिर इंस्टॉल करने के बाद जो है क्रेजी कार रेसिंग 3D गेम्स कैसे खेले वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद जो इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से, तो हम यहाँ इसे लोडिंग लेने देते हैं, तब तक के लिए कुछ समय के लिए वेट करते हैं। अब जो आप देख सकते हैं यहाँ जो है मेरा क्रेजी कार रेसिंग 3D गेम्स जो है वो ओपन हो चुका है। और ओपन हो जाने के बाद लोडिंग लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है। तो ये जो है अभी मैंने इसका साउंड सिस्टम ऑफ करके रखा हुआ है। अगर हम इसकी साउंड सिस्टम की बात करें तो मैं आपको एक बार सुना ही देता हूँ किस प्रकार से इसके साउंड सिस्टम है। तो हम यहाँ इसे ऑन कर देते हैं और फिर एक बार और इसे ऑन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये साउंड सिस्टम इसकी गेम की है। तो हम यहाँ इसे अभी ऑफ ही रखेंगे, तो हम यहाँ इसे ऑफ कर लेते हैं। और फिर ऑफ कर लेने के बाद इस गेम को आप कैसे खेले वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से अपनी गाड़ी, मन पसंदीदा गाड़ी जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हो, और वो कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे की स्टेप। तो हम इस पर प्ले पे टैप करेंगे और यहाँ जो है बहुत सारे गाड़ी आ रहे हैं जिससे हमें जो भी हमें पसंद है उससे हमें खेलना है, ठीक है। तो अभी आप इसमें से देख सकते हैं कि सारा अनलॉक ही है, 2, 4, 5 गाड़ियाँ हैं जिसमें कि इसमें रास्ता भी दिखाया जा रहा है किस प्रकार से रास्ता है और जो है किस प्रकार से यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है ये सब दिखाई दे रहा है। तो अभी जो है मेरा एक लेवल जो है वो लॉक किया गया है, लॉक हुआ है, तो मैंने इसे नहीं तोड़ा है। तो हम यहाँ किसी भी लेवल पे अभी इसे ले जाके खेलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से खेला जाता है। अब जो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है, तो हम यहाँ एक से स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हमारी कार जो ये देख सकते हैं, मैं अलग अलग अगर कार लेना चाहूँ तो वो अभी लॉक है, जी हाँ। तो हम जो है अभी फर्स्ट लेवल पर है, तो हम उसी कार से ड्राइव अभी करने वाले हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसे लोडिंग लेने देंगे, कुछ सेकंड इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए इसे लोडिंग लेने देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये 90 पूर चुका है, अब ये 100 भी हो चुका है, अब मेरी कार जो है वो चलने के लिए तैयार है, जी हाँ। आप देख सकते हैं हमारी कार जो है वो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस था जो कि हमें डेमो दिखाया जा रहा था। अब जो है हमारी कार ये भी अभी डेमो ही दिखाई दे रही है, अब ये स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें जो है यहाँ स्पीड पे टैप करना है और फिर हमें इस पे चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ लेके चलते हैं कार को और ये प्लस पे टाइप करना है, ठीक है। तो प्लस पे टाइप करने के बाद जो है ये मेरा कार जो है स्पीड हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गेम खेला जा रहा है, काफ़ी मज़ेदार गेम है, गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ये जो है मेरा फर्स्ट लेवल पार हो चुका है, यू विन। ऐसे जो है ये बहुत ही, यानी कि हम बात करें तो बहुत ही कम ही टाइप का है, ये बहुत ही आसान गेम था। आप देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट लेवल था वो काफ़ी आसान था, इसलिए आसान था क्योंकि वो फर्स्ट लेवल था। अगर हम नेक्स्ट रेस पे बात करेंगे तो नेक्स्ट रेस पे जाने के बाद इसे लोडिंग लेने देते हैं और लोडिंग लेने के बाद हम वेट करेंगे। अब उसका इंटरफेस देखते हैं किस प्रकार से है। तो इसका इंटरफेस जो है कुछ उसी प्रकार से मैच कर रहा है, मगर ये थोड़ा कुछ डिफरेंट रहेगा,
कुछ अलग रहेगा क्योंकि अभी हम दूसरे लेवल पे है। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जो है वो वाइट कलर की नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। हमारी गाड़ी सेम वही है जो पहले थी। अब हमारी गेम स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ प्लस पे टैप करेंगे और हमारी गाड़ी जो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से चल रही है। तो ये जो है आपको इसमें हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आपको इसमें प्लस पे टैप करके रखना है और ये खुद ब खुद चलेगी। और आगे की लेवल जैसे ही बढ़ेगी तो आपकी जो गाड़ी आपको पीछे से हैंडल करने का मौका मिलेगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छा ऐप है।